फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरग्रीन ई लर्निंग ऐप। आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे एमएस वर्ड में एक अच्छा अट्रैक्टिव पोस्टर कैसे बनाया जाए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा। इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हमें एक शेप लेनी होगी, तो सिलेक्ट कीजिए न्यू ड्राइंग कैनवास को। आप जैसे देख सकते हो ये ट्रांसफॉर्म हैंडल्स हैं। हम इसे अपने अकॉर्डिंग मूव और स्ट्रेच कर सकते हैं। अपने शेप को कैनवास पे फ्रीली मूव करने के लिए हम इस शेप पे राइट क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। इनमें से हमें मोर लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसे सिलेक्ट करते ही लेआउट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद टेक्स्ट रैपिंग में जाके अब हम सिलेक्ट करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसे सिलेक्ट करते ही हम अपने कैनवास को इजीली मूव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट पर। नेक्स्ट स्टेप है अपने कैनवास को आउटलाइन और फिल कलर देना। उसके लिए हमें फिर से राइट क्लिक करना होगा कैनवास पे। सिलेक्ट कीजिए फॉर्मेट ड्राइंग ऑप्शन। अपने कैनवास को डिसेंट एंड सटल लुक देने के लिए मैं चूज करूंगी ये लाइट ब्लू कलर। आउटलाइन देने के लिए मैं स्ट्रोक का विड्थ साइज बढ़ाऊंगी और उसका कलर भी चेंज करूंगी फिल के अकॉर्डिंग। इससे नेक्स्ट स्टेप है अपने कैनवास को हेडर देना। इसके लिए हम चूज करेंगे शेप ऑप्शन। Evergreen launches CBSE 100% Success Question Bank for Class 10. Order online on evergreenpublications.in. शेप ड्रॉ करने के बाद अब हम इंसर्ट करेंगे इसमें टेक्स्ट, जिसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे अपने हेडर पर और चूज करेंगे ऐड टेक्स्ट ऑप्शन। हम अपने टेक्स्ट का फॉन्ट साइज और स्टाइल चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। टेक्स्ट को डिफरेंट इफेक्ट्स देने के लिए हम सिलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन, जहां से हम टेक्स्ट को शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेवल, 3D रोटेशन और ट्रांसफॉर्म जैसे इफेक्ट्स दे सकते हैं। इस वक्त हम यूज कर रहे हैं शैडो ऑप्शन, जिससे हमारे टेक्स्ट में शैडो आ रही है। इसके बाद हम ऐड करेंगे मेन टाइटल टेक्स्ट, जो कि है ब्रेन क्वेस्ट, और इसे क्रिएट किया है वर्ड आर्ट ऑप्शन को यूज करके। टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म देने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन और फिर सिलेक्ट करेंगे ट्रांसफॉर्म ऑप्शन। इसके बाद हम ऐड करेंगे कुछ ग्राफिक्स अपने कैनवास पे। उसके लिए हम चूज करेंगे इंसर्ट ऑप्शन और फिर सिलेक्ट करेंगे ऑनलाइन पिक्चर्स आइकन। ये ऑप्शन क्लिप आर्ट ऑप्शन का सब्स्टिट्यूट है, जो कि अवेलेबल था प्रीवियस वर्जन्स में। सर्च बॉक्स में हम टाइप करेंगे द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट और फिर एंटर करेंगे। ये हमें सब ऑनलाइन पिक्चर्स शो करती है और हम इन सब में से कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। हम इमेज को कॉपी कर सकते हैं दो तरह से। पहला तरीका है कंट्रोल बटन को प्रेस करके और साथ ही में इमेज को ड्रैग करके, और दूसरे ऑप्शन के लिए क्लिक कीजिए कॉपी बटन एंड देन पेस्ट।
नेक्स्ट स्टेप है प्रोजेक्ट में टेबल ऐड करना। इसके लिए सबसे पहले हम चूज करेंगे टेक्स्ट बॉक्स आइकन और फिर सिलेक्ट करेंगे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के बाद हम इसमें इंसर्ट करेंगे टेबल। हम टेक्स्ट बॉक्स के फिल एंड आउटलाइन को हाइड कर सकते हैं बाय फॉर्मेटिंग द शेप। हम टेबल के कंटेंट को अलाइन कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग टेबल प्रॉपर्टीज। टू सेल्स को मर्ज करने के लिए सिलेक्ट कीजिए सेल्स बाय ड्रैगिंग माउस, फिर जाइए लेआउट मेन्यू में और क्लिक कीजिए मर्ज सेल्स आइकन। इसके बाद आप इसमें कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। Evergreen Self Study, a trustworthy student companion. Order online on evergreenpublications.in. इससे next step है body content type करना, जिसके लिए सबसे पहले हम insert करेंगे basic round rectangle. इसके बाद हम इसमें टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे और फिर टाइप कीजिए रेलेवेंट कंटेंट। आप अपने टेक्स्ट को एडजस्ट और जस्टिफाई भी कर सकते हैं टू मेक इट मोर अपीलिंग। इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स के फिल और आउटलाइन को अनफिल कीजिए। शेप को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए इसे सिलेक्ट करके चूज करें रिफ्लेक्शन इफेक्ट और फिर इसे एडजस्ट करें अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। इसके बाद हम टेक्स्ट में भी शैडो ऐड कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट्स। इसके बाद एड्रेस ऐड करने के लिए अगेन हमें चूज करना होगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स आइकन। अब आप इसमें अपना एड्रेस टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट को एडजस्ट कीजिए विद द हेल्प ऑफ अलाइनमेंट एंड एडजस्टिंग स्पेस बिटवीन लाइंस। एडजस्ट करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स फिल एंड आउटलाइन को हम डिसेबल कर सकते हैं। हम फिर से टेक्स्ट बॉक्स आइकन चूज करेंगे ईमेल एड्रेस देने के लिए।
टेक्स्ट को जस्टिफाई कीजिए और फिर से पहले स्टेप्स को रिपीट कीजिए टू हाइट फिल एंड आउटलाइन ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। इन द एंड लोगो इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट करेंगे इमेज बाय चूजिंग इंसर्ट पिक्चर ऑप्शन। हम इमेज को हम रिसाइज करेंगे टू फिट इन द प्लेस। अब आप इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके खुद का अपना पोस्टर डिजाइन कर सकते हो बाय यूजिंग एमएस वर्ड एट एनीवेयर। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।